हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम। मेरा सपना है, यह एक स्पीच है, भाषण है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिए थे। और ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका के रहने वाले थे। इनको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये गांधी जी के, महात्मा गांधी के ही सिद्धांतों पर चलने वाले थे। जिस तरह महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई थी सत्य और अहिंसा के द्वारा, उसी तरह ये भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर रेसल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्ल भेदभाव को, जातीय भेदभाव को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 यानी 1968 में। 1929 में इनका जन्म हुआ था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था 1929 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। इनकी हत्या कर दी गई थी। ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर, और ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे बाय ट्रेनिंग प्रशिक्षण के द्वारा। बाय ट्रेनिंग ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बैप्टिस्ट मतलब बपतिस्मादाता, या कहें ईसाई दीक्षा गुरु या नाम संस्कार करने वाले। तो बाय ट्रेनिंग ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, बीकेम और ये हुए ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, जन अधिकारों के क्रियान्वयक बने, जन अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले बने। अर्ली प्रारंभ में, शुरुआत में इन हिज कैरियर, अपने जीवन में बीकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, यानी अपने जीवन के शुरुआत में, प्रारंभ में ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हुए, जन अधिकारों के क्रियान्वयक हुए, आंदोलन करता हुए, लीडिंग नेतृत्व करते हुए द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट का। मॉन्टगोमरी बस बायकॉट क्या है, जिसका ये नेतृत्व कर रहे थे? तो मॉन्टगोमरी यानी अलबामा, अमेरिका का जो अलबामा राज्य है, उसके मॉन्टगोमरी में जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग, अर्थात जो निग्रो लोग थे, जो काले लोग थे, उन लोगों ने बस पर चढ़ने से बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था, इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको यथोचित स्थान नहीं मिल रहा था, समानता नहीं थी गोरे और कालों के बीच। वे लोग अपमानजनक स्थिति में थे। गोरे जो थे वो इन लोगों को अपमानित करते थे, जिसके चलते अलबामा के मॉन्टगोमरी में बस का बहिष्कार करना, मतलब बस पर चढ़ने से उन लोगों ने इनकार कर दिया था। तो ये प्रोटेस्ट कैंपेन शुरू हुआ था, विरोधी ये मुहिम इन लोगों ने शुरू किया था। और ये 5 दिसंबर 1955 को, 5 दिसंबर 1955 को ये प्रोटेस्ट, ये बायकॉट, ये बहिष्कार शुरू हुआ था और ये चला था 20 दिसंबर 1956 तक, यानी 20 दिसंबर 1956 तक ये बहिष्कार हुआ था। 5 दिसंबर 1955 से लेकर 20 दिसंबर 1956 तक ये अलबामा के मॉन्टगोमरी में जो बस बॉयकॉट हुआ था, बस का जो बहिष्कार हुआ था, बस पर चढ़ने से अफ्रीकन अमेरिकन प्रजाति के लोगों ने जो इनकार कर दिया था, मना कर दिया था, उस मुहिम का, उस प्रोटेस्ट कैंपेन का लीडिंग करते हुए, नेतृत्व करते हुए एंड हेल्पिंग और मदद करते हुए, फाउंड स्थापना में द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का। साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इज एन अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह संक्षिप्त में हम कह सकते हैं SCLC। SCLC यानी साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप जो कॉन्फ्रेंस है, वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों का, यानी वो निग्रो लोगों का, काले लोगों का, अपने हक के लिए जो आंदोलन वो लोग कर रहे थे, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
इस संगठन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का पहला जो प्रेसिडेंट थे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जो सिविल राइट्स के लिए, जन अधिकार के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, संगठन बना था, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। कैसे ध्यान देंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिनका जन्म 1929 में और मृत्यु 1968 में, ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग प्रशिक्षण से ये बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, बपतिस्मा दाता थे, ईसाई दीक्षा गुरु थे, नाम संस्कार करने वाले थे, बीकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और ये जन अधिकारों के क्रियान्वयक हुए, आंदोलन करता हुए अर्ली प्रारंभ में हिज कैरियर अपने जीवन के प्रारंभ में ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट बने, लीडिंग लेकिन जुड़ते हुए नेतृत्व करते हुए द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का, जैसा कि मैंने बताया मॉन्टगोमरी यानी अलबामा के मॉन्टगोमरी नामक जगह पर बस का बहिष्कार किया गया था अफ्रीकन अमेरिकन प्रजाति के लोगों के द्वारा, यानी निगरो के द्वारा, काले लोगों के द्वारा। यह कैंपेन शुरू हुआ था, यह मुहिम शुरू हुआ था 5 दिसंबर 1955 से लेकर के 20 दिसंबर 1956 तक था। तो मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का नेतृत्व करते हुए एंड हेल्पिंग और मदद करते हुए टू फाउंड स्थापना में द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का, यानी SCLC का। तो साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना में मदद करते हुए मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का नेतृत्व करते हुए अपने जीवन के प्रारंभ में ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हुए, जन अधिकारों के क्रियान्वयक हुए, अर्थात आंदोलन करने वाले हुए जन अधिकारों के। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी से प्रभावित होकर, ये गांधी जी के द्वारा प्रभावित हुए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, भारत के महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे, इसीलिए तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी के द्वारा प्रभावित होकर विद फिलोसफी, उनका दर्शन ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध था, अहिंसात्मक प्रतिरोध का उनका दर्शन ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उनके विश्वव्यापी ध्यान को लाए। गांधी जी के अहिंसात्मक प्रतिरोध के, अहिंसात्मक प्रतिरोध या विरोध का जो उनका दर्शन था, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को विश्वव्यापी ध्यान को लाए। तो इन्फ्लुएंस बाई गांधी जी से प्रभावित होते हुए हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, अहिंसात्मक विरोध का, अहिंसात्मक प्रतिरोध का उनका दर्शन ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उनके विश्वव्यापी ध्यान को लाया, पूरे विश्व का ध्यान उनकी तरफ गया। इन 1964 में 1964 में किंग बीकेम द यंगेस्ट पर्सन, किंग जो थे वो सबसे युवा व्यक्ति बने टू रिसीव, प्राप्त करने वाले द नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। 1964 में 1964 में किंग नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन हुए, सबसे युवा व्यक्ति हुए, और इन एफर्ट्स अपने प्रयासों के लिए टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट मेथड्स, समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए, इसको समाप्त करने के, तो सेग्रीगेशन अलगाव को एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और नस्ल भेदभाव को, जातीय भेदभाव को, और वो भी थ्रू सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा एंड अदर नॉन वायलेंट वेज और दूसरे अहिंसात्मक तरीकों के जरिए, सविनय अवज्ञा और दूसरे अहिंसात्मक जो तरीके थे उन तरीकों के जरिए, उन तरीकों के माध्यम से, उनमें से नॉन वायलेंट वेज से अहिंसात्मक तरीकों के जरिए ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्ल भेदभाव को, जातीय भेदभाव को और सेग्रीगेशन को, अलगाव को, भेदभाव को
एंड करने के, समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए नोबेल पुरस्कार को रिसीव करने वाले, प्राप्त करने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन हुए, सबसे युवा व्यक्ति बने कि 1964 में, 1964 में, 1964 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए तो इन्होंने जो प्रयास किया था समाप्त करने के लिए सेग्रीगेशन को, अलगाव को, जो भेदभाव था, जो अलगाव था गोरे और कालों के बीच, जो गोरे थे काले लोगों को दूर कर रहे थे, हीन भावना से देखते थे, और जो रेसल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ल भेदभाव था, जातीय भेदभाव था, इसको खत्म करने के जो उन्होंने प्रयास किया था, उस प्रयास के लिए वो भी प्रयास किया था, तो हिंसा के मार्ग पर नहीं बल्कि सविनय अवज्ञा और दूसरे जो अहिंसात्मक तरीका है उन अहिंसात्मक तरीकों के जरिए ऐसा किया था, इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1964 में मिला था, 1964 में मिला था। ये सबसे यंगेस्ट पर्सन बने थे नोबेल पुरस्कार के लिए। आगे किन वाज असैसिनेट, किंग की हत्या कर दी गई थी, इस वर्ड का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी राजनीतिक कारणों से और किसी प्रमुख व्यक्ति की जब छिपकर हत्या कर दी जाती है तो उस समय इस असैसिनेट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस टेनेसी। टेनेसी के मेम्फिस में 4 अप्रैल 1968 को किंग की हत्या कर दी गई थी। अमेरिका का जो टेनेसी है तो टेनेसी के मेम्फिस नामक जगह पर 4 अप्रैल 1968 को किंग की हत्या कर दी गई, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। किंग से इंपोर्टेंट वर्क, किंग की महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड, जिसमें शामिल है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, किंग की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें इंक्लूड है स्ट्रेंथ टू लव जो 1953 में प्रकाशित हुई, दूसरा है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी 1958 यानी 1958 में यह प्रकाशित हुई थी। और अगला है वाई वी कांट वेट, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, यानी वाई वी कांट वेट ये 1964 में 1964 में प्रकाशित हुई थी। और ये अगला किताब है वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर, क्योस और कम्युनिटी 1968 में प्रकाशित हुई। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद रखना। आगे देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, एक भाषण है। अगर आ गया कि आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो स्पीच है, भाषण है। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, मेरा सपना है या एक भाषण है, जिसको वर्ड उन्होंने दिया था ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963 को, 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल में इन्होंने इस भाषण को दिया था। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, जिसको वर्ड इन्होंने दिया था ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल में इन्होंने ये भाषण दिया। कौन सा भाषण? वाई ड्रीम, मेरा सपना। हियर यहाँ ही स्पीक्स, वह बोलते हैं अबाउट ही ड्रीम, अपने सपने के बारे में, ऑफ सीइंग, जो देख रहे हैं अलबामा को एज ए डेवलप्ड स्टेट, एक विकसित राज्य के रूप में, फ्री स्वतंत्र मुक्त राज्य के रूप में, ऑफ रेसल डिस्टिंक्शन, नस्ल भेदभाव से, जातीय भेदभाव से, बिटवीन द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स, गोरे और कालों के बीच, गोरे और काले लोगों के बीच रेसल डिस्टिंक्शन यानी नस्ल भेदभाव, जातीय भेदभाव से फ्री मुक्त और एक विकसित राज्य के रूप में जो अलबामा को देख रहे हैं, उस अपने स्वप्न का वो इस भाषण में बात करते हैं, बोलते हैं। यदि स्पीक्स, वो यहां बोलते हैं अब अबाउट ही ड्रीम, अपने स्वप्न के बारे में,
ऑप्शन उस स्वप्न के बारे में जो देख रहे हैं कि अलबामा एक विकसित राज्य बने, एक डेवलप्ड स्टेट बने, एक ऐसा फ्री रहे, मुक्त रहे, जहां कोई भेदभाव ना हो, नस्ल भेदभाव ना हो, रेशन डिस्टिंक्शन ना हो, जातीय भेदभाव ना हो, इसके बीच तो व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच, गोरे और कालों के बीच, तो गोरे और कालों के बीच नस्ल भेदभाव से मुक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में अलबामा को जो देख रहे हैं, उस अपने स्वप्न के बारे में वो यहाँ इस भाषण में बोलते हैं, बात करते हैं। द स्पीच हैड द ह्यूज इंपैक्ट, इस भाषण में विशाल यानी बहुत बड़ा इंपैक्ट था, प्रभाव था, इस भाषण में बहुत बड़ा प्रभाव था इन रेजिंग उठाने में, पब्लिक कॉन्शियसनेस, जन चेतना को, जन जागृति को, जन चेतना को, जन जागरूकता को, फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, जन अधिकारों के आंदोलन के लिए, सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए जन जागृति को, जन चेतना को रेज करने के लिए, उठाने के लिए इस भाषण में बहुत बड़ा प्रभाव था, इम्पैक्ट था। एंड इन एस्टैब्लिशिंग और स्थापित करने में किंग को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स, महान व्याख्याताओं में से एक के रूप में इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में महान व्याख्याताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में, और जन अधिकारों के आंदोलन के लिए जन जागरूकता को, जन चेतना को उठाने में इस भाषण में बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, ह्यूज इम्पैक्ट था, विशाल प्रभाव था। स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट, इस भाषण में विशाल प्रभाव था, बहुत बड़ा प्रभाव था, रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, जन जागृति को उठाने में सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए, एंड इन एस्टैब्लिशिंग और स्थापित करने में किंग को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में सबसे महान व्याख्याताओं में से एक, जितने ही ओरेटर्स हुए हैं अमेरिका में उनमें से एक महान ओरेटर के रूप में किंग को स्थापित करने के लिए इस स्पीच में बहुत बड़ा प्रभाव था, इम्पैक्ट। तो ये आपने इंट्रोडक्शन देखा।